तो वहीं चंबा में कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई के विरोध में जन आक्रोश रैली निकालकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है। टैक्सी स्टैंड से सरकार विरोधी नारों के बीच शुरू हुई रैली पूरे बाजार की परिक्रमा के दौरान लखदाता मंदिर के बाहर आकर खत्म हुई। कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना भी दिया। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान नीरज नैयर ने की। इस मौके पर चुराह के पूर्व विधायक सुरेंद्र भारद्वाज, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चंबा के अध्यक्ष करतार सिंह ठाकुर, जिला कांग्रेस महासचिव नरेश राणा और पूर्व जिला परिषद सदस्य राज सिंह ठाकुर ने भी विशेष तौर पर मौजूदगी दिखाई। तस्वीरें चंबा से आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर कांग्रेस ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला है, सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली है। आम आदमी के लिए जो है बहुत दिक्कतों का आम आदमी को सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही में चाहे आप गैस की कीमतें देखें और अपना अगर आप डिपुओं की बात करो तो जो तेल है, तेल के अंदर इतना ज़्यादा जो इजाफा जो है वो किया गया है, सीधे ही तकरीबन कोई 45-50 रुपए के करीब जो है, 57 रुपए करीब जो है, जो तेल के अंदर बढ़ गए हैं एकदम। तो ये एक बहुत ही दुखद चीज़ है। आम आदमी जहाँ पहले से ही कोरोना से जूझ रहा है और लोगों के पास इनकम के कोई साधन नहीं है, पिछले कई महीनों से जो है लोग जो हैं अपने घरों में बैठे हुए हैं, और उसके बाद फिर इतनी महंगाई सिर पर हो गई है लोगों के, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हम एज ऑपोजिशन जो है, हम सब लोगों को जो है इकट्ठा करके हम ये बात जो है लोगों तक पहुँचाएंगे और सरकार के कानों में पहुँचाएंगे कि ये चीज़ जो है ये अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी।